किओस्क सेंटर में लगी आग, कंप्यूटर सहित लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हारोन में एसबीआई बैंक के पास सुखनेर ब्रदर्स के सामने एसबीआई के किओस्क सेंटर में आज रात करीब 4 से 5 के बीच अचानक आग लग गई, जिसमें कुछ नकदी रुपए एवं कंप्यूटर सहित दस्तावेज एवं लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उपस्थित किओस्क सेंटर के संचालक पवन जाधव द्वारा बताया गया कि दमकल के पहुंचने तक तमाम सामान जलकर खाक हो चुका था। आग कैसे लगी, क्या कारण हुआ, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कुछ पता नहीं चल पा रहा है कैसे आग लगी है, शॉर्ट सर्किट है क्या है। ये कब की घटना है? आज 3-4 बजे से रात में। तो आपको कैसे जानकारी लगी? वो कुछ लोगों ने, ये पास में दुकान बारे रहते हैं ना, साग चच्चा वगैरह, इनके द्वारा जानकारी। लास्ट टाइम आप दुकान कब बंद करके गए थे? सैटरडे को। अच्छा, उसके बाद संडे को नहीं खोली? नहीं, बंद थी। आज ही जानकारी लगी आपको? आज ही सुबह, मतलब 4 बजे के। अच्छा, जब आप आए तब कैसा क्या था दुकान? नहीं बचा था इसमें, सब आग लगी हुई सब। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी? हाँ, 100 नंबर आई थी और फायर ब्रिगेड भी आई थी, रिपोर्ट डालने जा रहा हूँ। कितना क्या नुकसान हुआ है इसमें आपका? इसमें लगभग 3-4 लाख रुपए। और लैपटॉप वगैरह थे, प्रिंटर थे, सीवी थे, स्टेशनरी थी। कैसे लगी आग इसकी कोई जानकारी? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, शॉर्ट सर्किट ही लगता है और कुछ कह भी नहीं सकते शॉर्ट सर्किट, इसके अलावा और भी कुछ। कोई नकदी रकम? हारोन से ग्राउंड रिपोर्टर मिथुन शर्मा की रिपोर्ट।